शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। भारत सरकार देश के किसानों को तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। अच्छी आमदनी देने वाली तिलहनी फसलों में सोयाबीन का नाम भी शामिल है। सोयाबीन खरीफ सीजन की अहम तिलहनी फसल है, जिसकी बुआई जून से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक की जाती है। सोयाबीन कैल्शियम और आयरन का बेहतरीन स्रोत होता है, जिसका प्रसंस्करण करके उसका तेल, दूध, पनीर, टोफू और बड़ियां बनाई जाती हैं। इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में की राजस्थान में की जाती है। किसी भी फसल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करना। ऐसा करने से अच्छी उपज तो होती ही है, साथ ही फसल में कीड़े और बीमारियों की संभावना भी कम हो जाती है। सोयाबीन की उन्नत किस्मों में NRC2, NRC12, NRC7 और NRC37 है। किसान चाहें तो सोयाबीन की नवीनतम विकसित किस्म MCS 1407 की बुआई भी कर सकते हैं। ये किस्म कीट रोधी तो है ही, दूसरी किस्मों के मुकाबले उपज भी ज़्यादा देंगी। सोयाबीन की बुआई से पहले खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे मिट्टी का अच्छे से सौरीकरण हो जाए और कीड़े मकोड़े बाहर निकल जाएं। इसके बाद मिट्टी में ज़रूरत के अनुसार जैविक खाद और जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करें। आखिरी में जुताई का काम करें। खेत में जल निकासी की भी व्यवस्था करें, जिससे बारिश होने पर जल भराव की स्थिति पैदा ना हो और पानी खुद ही बाहर निकल जाए। ध्यान रखें कि कम से कम 100 मिलीमीटर वर्षा होने पर ही फसल की बुआई का काम करें। इससे मिट्टी को पोषण और नमी दोनों ही मिल जाती हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। खेत की तैयारी के बाद बुआई का काम करें। बीजों को खेत में बोने से पहले बीजोपचार का काम भी कर लें। इससे फसल में कीट और रोगों की संभावना कम हो जाती है और किसान को स्वस्थ फसल प्राप्त होती है। छोटे दाने वाली सोयाबीन की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर जमीन में करीब 60 से 70 किलोग्राम बीज दर का प्रयोग करें। बड़े दाने वाली सोयाबीन के लिए 80 से 90 ग्राम बीज दर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन की बुआई कतारों में करें, जिससे निराई गुड़ाई करने में आसानी हो सके और जल निकासी भी हो जाए। सोयाबीन की फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर फली बनते समय तापमान बढ़ जाता है तो शाम के समय हल्की सिंचाई का काम कर दें। कटाई से 8 से 10 दिन पहले सिंचाई का काम बंद कर दें। हालांकि सोयाबीन की फसल 50 से 145 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। जब इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएं और फलियों में 15% नमी हो, तब इसकी कटाई का काम कर लें। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।